हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एससी नॉलेज यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपना एक नया जीमेल आईडी बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देखिए, ये है जीमेल एप्लीकेशन, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ कोने में देखिए हमारा प्रोफाइल का सिंबल शो हो रहा है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। वैसे तो मैंने पहले से ही कई जीमेल आईडी बना कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 जीमेल आईडी शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एक नया जीमेल आईडी बनाना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है ऐड अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है गूगल, इस पर क्लिक करेंगे। आपने अपने मोबाइल में जो भी लॉक लगाया होगा उस लॉक को यहाँ से खोल लीजिए। जैसे कि मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा है तो उसे मैं खोल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया है जीमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन, लेकिन हमें यहाँ पर एक नया जीमेल आईडी बनाना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, इसमें क्लिक करेंगे। यदि आपको खुद के लिए एक जीमेल आईडी बनाना है तो आपको इस पहले वाले को सिलेक्ट करना है। यदि आपको कोई बिजनेस वगैरह है तो आप इस नीचे वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि मुझे अपने लिए ही जीमेल आईडी बनाना है, इसलिए फॉर माई सेल्फ इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दिया है फर्स्ट नेम, नीचे दिया है सर नेम जो कि ऑप्शनल है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डे मंथ और ईयर, और यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, तो हमें यहाँ पे खुद से एक जीमेल आईडी बनाना है। हालांकि जो जीमेल आईडी हम यहाँ पे बनाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीमेल आईडी हमें मिल जाएगा। हो सकता है कि वो जीमेल आईडी पहले से ही कोई बना लिया हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ लेटर और नंबर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम केवल इतना ही लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए ये जीमेल आईडी पहले से ही किसी ने ले रखा है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है द यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, यानी अभी हमें इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए ये जीमेल आईडी हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड में हमें मिक्स डालना है, जैसे कि लेटर्स, नंबर, सिम्बल्स, ये तीनों मिलाकर हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सक्सेसफुली पासवर्ड बना लिया है। पेज को ऊपर खिसकाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखा है एस आई एम इन, इस पर क्लिक करेंगे। हमारा जीमेल आईडी यहाँ पे शो हो गया है, देख सकते हैं। फर्स्ट में अकाउंट होल्डर का नाम शो हो रहा है और नीचे में ये है हमारा जीमेल आईडी जिसे हमने अभी अभी बनाया है। नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेज को ऊपर खिसकाएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। एक और काम इसमें बाकी रह गया है, मोबाइल नंबर ऐड करने का, हालांकि उसे हम बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपना एक नया जीमेल आईडी सक्सेसफुली बना लिया है। अब यहाँ से हम पूरी तरह से बैक हो जाएंगे। देखिए वापस से हम जीमेल एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अभी हमें चेक करना है कि जो हमने जीमेल आईडी बनाया है वो हमारा जीमेल आईडी कहाँ पर है। तो फिर से हम प्रोफाइल वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो सबसे नीचे वाला जीमेल आईडी है, इसी जीमेल आईडी को हमने अभी अभी बनाया है। यदि हम इस जीमेल आईडी पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो हम इस जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इस जीमेल आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। अभी हमारे इस जीमेल आईडी में एक भी ईमेल नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी इस ईमेल आईडी को बनाया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपना एक नया जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेज वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।